हेलो स्टूडेंट, आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से रिलेटेड अगली एक्सपेरिमेंट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत एंजेलमैन टीडब्ल्यू एंजेलमैन के एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे। इन्होंने बताया, ही डिस्क्राइब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रिज्म लिया ये प्रिज्म है, प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास आउट किया, ये व्हाइट लाइट से प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास किया, जिससे कि एक स्पेक्ट्रम बना। इस स्पेक्ट्रम में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर एक्सपोज हुए निकले व्हाइट लाइट से। कब निकले, जब इसको प्रिज्म से गुजारा गया, प्रिज्म से निकाला गया। इस विवग्योर वाली लाइट में उन्होंने एक स्लाइड पर बैक्टीरियल सस्पेंशन लिया और बैक्टीरियल सस्पेंशन पर एक एल्गी का प्लांट रखा, एक क्लेडोफोरा। इन्होंने क्लेडोफोरा को लिया और उसको किस पर रखा, बैक्टीरियल सस्पेंशन पर। ये बैक्टीरियल सस्पेंशन है, दिस इज बैक्टीरियल सस्पेंशन। और ये कौन से बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया। ये सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, के सस्पेंशन पर एक एल्गी, ग्रीन एल्गी को रखा और ग्रीन एल्गी को रखने के बाद प्रिज्म से लाइट को पास आउट किया, इससे स्पेक्ट्रम बना और इस स्पेक्ट्रम में जो उपस्थित है डिफरेंट कलर, इन डिफरेंट कलर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखी। दूसरे शब्दों में कहें कि स्पेक्ट्रम
का फोटोसिंथेसिस से क्या रिलेशन है वो इन्होंने बताया। तो इन्होंने जब ये सिक्वेंस में लाइट एक्सपोज की कैलेडोफोरा के लिए, वो कैलेडोफोरा किस में रखा है, सस्पेंशन ऑफ एरोबैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया में इसको रखा। फिर इसके बाद लाइट एक्सपोज करने पर उन्होंने ये देखा कि जो ब्लू रीजन है, इस ब्लू रीजन में ये वाले एक्यूमुलेट हो गए ये बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होके आ गए। और दूसरा ये लाइट रीजन था, लाइट रीजन में भी ये बैक्टीरिया जो इधर उधर थे वो सारे बैक्टीरिया इस रीजन में आ गए, कौन सी रेड लाइट वाले रीजन में ये बैक्टीरिया मूव करके माइग्रेट करके और यहां पर एक्यूमुलेट हो गए। तो ये क्या हो गए, एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। यहां पर बैक्टीरियल सस्पेंशन है, ये बैक्टीरियल सस्पेंशन। इस बैक्टीरियल सस्पेंशन किसका है, एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन है। तो यहां पर देखा कि जिस जगह रेड लाइट है वहां पर सारे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए, मीन्स माइग्रेट होके और इस पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर कि रेड लाइट थी और ब्लू लाइट थी, इस पॉइंट पर ये पहुंच गए। और क्योंकि इस रीजन पर क्या था, यहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का निकलना हो रहा था, यहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बन रही थी, ऑक्सीजन एवॉल्विंग साइट, जहां ऑक्सीजन एवॉल्विंग साइट थी वहां पर बैक्टीरिया का एकोमोलेशन हुआ। और एवोल्यूशन, ऑक्सीजन एवोल्यूशन साइट या एवॉल्विंग साइट कौन सी थी, ये भी थी, कौन सी, रेड रीजन वाली। तो यहां पर भी ऑक्सीजन का क्या हुआ था, एवोल्यूशन हो रहा था, मीन्स यहां पर भी एवॉल्व हो रही थी ऑक्सीजन, इसलिए सारे बैक्टीरिया कलेक्ट हो गए। इस आधार पर कह सकते हैं कि जो ब्लू रीजन है उसमें ऑक्सीजन एवॉल्व हुई और जो रेड रीजन है इसमें भी ऑक्सीजन एवॉल्व हुई। तो ये फोटोसिंथेसिस में एक तो ब्लू कलर की लाइट और दूसरी रेड लाइट, दोनों का इफेक्ट होता है। इस फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में ज्यादा होती है, अन्य लाइट में कम होती है। तो ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम से संबंधित ये एक्सपेरिमेंट था जो टी डब्ल्यू एंगलमैन ने ये दिया था। इसमें जो ऊपर दिखाया गया है ये वेवलेंथ है, ठीक है, ये वेवलेंथ है। यहां पर इसके 400 से कम तरफ अगर जाए तो यहां पर अल्ट्रावायलेट, एक्सरेस और गामा रेज, और यहां पर 700 से ऊपर
इंफ्रारेड 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 और रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स होती है। तो ये जो लाइट का है ये विजिबल है, विजिबल स्पेक्ट्रम। इस विजिबल स्पेक्ट्रम में जो 400 टू 700 जो वेव लेंथ की रेंज है वह विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज है, मीन्स व्हाइट लाइट वाली रेंज है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस का प्रभाव देखा गया और उसमें भी लाइट को या व्हाइट लाइट को विजिबल स्पेक्ट्रम के रूप में एक्सपोज किया। विग्योर वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। ये जब इस पर एक्सपोज किया, ये क्या है, ये एक स्लाइड है, स्लाइड पर एक क्लेडोफोरा प्लांट है। क्लेडोफोरा एक एल्गी है, ये एल्गी, इसको ये लिया गया था। इसके स्थान पर स्पाइरोगैरा भी लिया जा सकता है, स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गी। तो ये था टी डब्ल्यू एंजेलमैन का एक्सपेरिमेंट।